सो गुड इवनिंग एवरीवन. आपण आता स्टार्ट करतोय आपल्या नवीन सेशनला. दॅट इज आवर सेशन नंबर 3. ओके, तो अगेन जस्ट वी विल चेक, एम आय ऑडिबल टू एवरीवन? एम आय क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? एंड कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? प्लीज राइट अगेन इन द चैट बॉक्स. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा तीसरा सेशन है एंड लास्ट टाइम आपको मैंने 2 दिन पहले एक होमवर्क दिया था एंड दैट वाज कि आपको लॉकडाउन में आपकी लाइफ कैसे बदली है वो लिखना था. ठीक है, लॉकडाउन चा तुमच्या आयुष्यावर काय परिणाम झाला ते तुम्हाला लिहायचं होतं. आणि बऱ्याच जणांनी खूप व्यवस्थितपणे लिहिलंय सगळं, पण तुमच्या त्या रायटिंग मध्ये एक प्रॉब्लेम सगळ्यांना जाणवलेला आहे. सबने एक प्रॉब्लेम फेस किया है उसमें कि आपका ग्रामर जो है, ग्रामर वॉज बिट, बहुत सारे मिस्टेक्स थे ग्रामर के. तो वो कैसे करना है और उसमें जो मिस्टेक्स क्या होते हैं जनरली, कैसे अवॉइड करने हैं, तो दैट वी विल सी टुडे. ओके, तो आज का अपना टॉपिक वही है. सी, आपण सध्या काय घडतंय किंवा नेहमीच्या काही गोष्टी घडत असतात, त्याच्यासाठी आपण ज्या काही वाक्य लिहितो त्याचे वेगवेगळे काळ असतात. ठीक है, हम लोग जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं उसके अलग अलग टेंसेस होते हैं. जैसे कल क्या हुआ था, काल काय झालं होतं, हे लिहिण्यासाठी आपण भूतकाळ, भूतकाळ मतलब म्हणजेच काय, वर्तमान काळ म्हणतो मराठीत, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेझेंट टेन्स. तो प्रेझेंट टेन्स इस्तेमाल करते हैं. एंड कल क्या होगा म्हणजे उद्या काय होईल हे सांगण्यासाठी आपण भविष्यकाळ म्हणजे फ्यूचर टेन्स वापरतो. ओके, तो ये आज का अपना टॉपिक जो है वो है टेन्स. और टेन्स में देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, वी हैव 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस. दैट इज प्रेजेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ, पास्ट टेन्स भूतकाळ, आणि फ्यूचर टेन्स भविष्यकाळ. ओके, तो इसमें हर एक टेंस में फिर से 4 सब टाइप्स होते हैं. जिसमें सिंपल, जैसे अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, देन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस होता है, देन परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होता है, और कंटिन्यूअस परफेक्ट होता है. ठीक है, या इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं उसको. तो ये जो 4 टाइप्स है वो हर एक टेंस में होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी. ओके, ये 4 ही सब टाइप्स असतात. ते 3 ही मेन टेन्सचे सब टाइप्स आहेत, पण आज आपल्याला फक्त एकच बघायचं आहे, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ओके, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आणि हे का मी टेन्स चालू केलेत, मैंने ये क्यों शुरू किया है, बिकॉज आप लोग जो भी बोलते हो, सेंटेंसेस बनाते हो, तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर आते हैं. एंड दैट ग्रामेटिकल एरर्स आर रिलेटेड टू टेन्स ओनली. ओके, म्हणजे काय कि मी आत्ता काय करतोय हे तुम्ही कधी कधी भविष्यकाळात लिहिता, कधी कधी भूतकाळात लिहिता. ठीक है, आपको अभी जो लिखना है अभी के बारे में लिखना है, लेकिन आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त क्या करते हो, आप पास्ट टेंस में लिख देते हो. तो ये गलतियां ना हो, और ये बोलने में भी ये गलती ना हो, इसलिए थोड़ा ये जो बेसिक है, मैंने पिछले क्लास में बोला था, मैं मागच्या क्लास में तुम्हाला सांगितलेलं कि ग्रामर जो आहे इंग्लिशचं, ती इंग्लिश लँग्वेजचा कणा आहे. ओके, ते तुमचं परफेक्ट असलंच पाहिजे, तर तुम्ही तुम्हाला वाक्य बनवणे, बोलणे खूप इझी जाणार आहे. सो वी विल नाउ मूव ऑन द मेन टॉपिक, दॅट इज सिम्पल प्रेझेंट टेन्स, साधा वर्तमान काळ लिहिलेला आहे. ओके, कॅन समबडी रीड, मी हे जे इथे लिहिलेल्या 2 लाईन्स आहेत, एनीबडी वॉन्ट्स टू रीड, प्लीज आपका नाम लिखिए चैट बॉक्स में, अगर किसी को रीडिंग करना है तो. ये जो 2 लाइन्स लिखी है वो आपको
रीड करनी है। ओके, दोनों को भी बोलेंगे, पहले मेनका मैडम करेंगी, उनके बाद ठाकुर सर करेंगे। चलिए मैडम प्लीज रीड, क्या आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? आपका माइक शुरू ओके, कीजिए। यस मैडम, या मैम प्लीज। यस मैडम, फर्स्ट पॉइंट आई डू स्पीक नहीं, इंग्लिश. ऊपर जो दो लाइंस लिखी है मैंने वो पढ़नी है पहले, बाद में हम लोग आगे का लेंगे। हाँ, यस, या हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या ये मैडम हाँ वही वाला, उसके नीचे सिंपल जो दो प्रेजेंट लाइन टेंस, है। सदा हाँ वर्तमान. हाँ हाँ, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली. हाँ राइट। देन बस मैडम आपका फॉर्मूला, माइक बंद कर दे। सब्जेक्ट, प्लस. ओके, हाँ तो मैं वो आपको आगे का एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठाकुर सर तुम्हें एकदम अच्छा। सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू ब्रैकेट सादा वर्तमान काल. वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपेंस रेगुलरली. वेरी गुड। अतः माइक बंद करा सर। अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं। ऐसी चीजें क्या लिखा है, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब अभी कुछ चीज हो रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है। और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, या फिर जो चीजें हमेशा होती रहती है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो उसको यूज करने के लिए जैसे मैडम अभी पढ़ रही थी, तो ये रेड लाइन जो मैंने दी है वो एक फॉर्मूला है, ठीक है। का है एक फॉर्मूला है, जैसे अपन मैथ्स करते हैं, हम लोग जब मैथ्स वगैरह करते हैं तो मैथ्स के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कैलकुलेशन के लिए अपन गणितासाठी काही फॉर्मुलेज वापरतो की नाही। तसंच इंग्लिश मध्ये जेव्हा तुम्ही ग्रामर करता, ग्रामर पण गणितासारखंच आहे, ओके। त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलेज आहेत, ते फॉर्म्युले एकदा तुमच्या डोक्यात फिक्स झाले की तुम्ही इजीली ह्या गोष्टी करू शकता, मतलब इसमें कुछ भी चीज हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये छोटी छोटी जो बातें हैं उनको याद रखना है, और फिर एक बार आपके दिमाग में ये सब चीज अच्छे से बैठ गई तो आप इजीली ये सब यूज कर सकते हो, ओके। तो मैं पहले फॉर्मूला पढ़ती हूँ। बगा काय लीलाय मी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या, जो मैंने इस फर्स्ट कॉलम में लिखा है, आई यू वी दे ही शी इट, ओके। ये क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मुझे मराठी तपन मन तो करता, हिंदी में जो काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा है मैंने, प्लस लिखा है, देखिए सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वी वन, ब्रैकेट में वी वन लिखा है। अभी वर्ब क्या होता है, हम लोग पिछले बहुत दिनों से एक्शन वर्ड्स देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी मैंने आज कुछ एक्शन वर्ड्स आपको आपके लिए लिखे भी हैं, ठीक है। तो ये जो एक्शन वर्ड्स है उनको ग्रामेटिकल जब आप उसको वर्ब यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो वो है आपका वर्ब। बेस फॉर्म मतलब क्या, बेस फॉर्म म्हणजे काय है कि त्या क्रियापदाचं मूळ रूप, मतलब वो जिस फॉर्म में पहले है वही फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पीक लिखा है देखिए नीचे, ठीक है, तो उसका पास्ट टेंस भी होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, तो वो यूज ना करते हुए जो उसका फर्स्ट फॉर्म है म्हणजे इसका है बेस फॉर्म म्हणतो आपण त्याला, मूळ रूप, क्रियापदाचं मूळ रूप वापरायचं। और थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म म्हणतो आपण मराठीत त्याला, ओके। रेस्ट सेंटेंस मतलब वो कुछ चीज हो सकती है या कुछ सेंटेंस का बचा हुआ जो पार्ट है वो वहां पे आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आई यू वी और दे, उसका एक मैंने अलग से उसको अलग से डिवाइड किया है, मित ऐसा एक ग्रुप बना हुआ है, आणि खाली ही शी इट उसका एक अलग से ग्रुप बनाया है, राइट। आई यू वी और दे, इनके साथ मैंने जब
बेस फॉर्म यूज किया है तो जैसा था वैसे ही है। मैंने ब्रैकेट में डू भी लिखा है, मी डू पण लिहिले ब्रैकेट मध्ये, म्हणजे काय कि तिथे तुम्हाला मूळ रूप वापरायचं आहे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ये रेस्ट सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट में मैंने इंग्लिश लिख दिया, देखिए। तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलतो, मैं इंग्लिश बोलती हूँ या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यू स्पीक इंग्लिश, तू इंग्लिश बोलतोस, किंवा नहीं तो हिंदी में कैसे बोलेंगे, आप या तुम इंग्लिश बोलते हो। वी स्पीक इंग्लिश म्हणजे वी म्हणजे आम्ही, आम्ही इंग्लिश बोलतो। दे स्पीक इंग्लिश, ते इंग्लिश बोलतात। ओके आता परत बघा, फिर से देखिए, जो चीज अभी हो रही है या जो हमेशा होती रहती है, आपल्या ज्या सवयी असतात। जसं तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट लिहायला सांगितलेली, आपको मैंने एक आपको डेली रूटीन लिखने के लिए बोला था, सबको याद है? तो वो जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। डेली रूटीन तुम्हाला जो दिनक्रम लिहायला सांगितलेला, तो सगळ्यांनी सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्येच लिहायचं आहे। का? तर त्याच्यामध्ये आपण नेहमी ज्या गोष्टी करतो, आपल्या नेहमीच्या सवयी असतात, त्या आपण त्याच्यात लिहितो। जैसे क्या बोलते हम लोग, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मी 8 वाजता ऑफिसला जातो, मी संध्याकाळी 6 वाजता घरी येतो। ह्या आपल्या नेहमीच्या गोष्टी आहेत, ठीक है? तो जो हमारी रेग्युलर चीजें है, उनको उनके बारे में अगर हमको बोलना है, किसी से बात करनी है, तो आप कैसे बोलोगे? आपको क्या यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ओके, तो ये याद रखना है। इसीलिए मैंने कुछ लोगों के जो आपके कुछ होमवर्क्स आए थे, उनको मैंने नोट लिखा था कि हम लोग इस क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो यही है, आपने जो भी ये लिखा है चीजें, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ओके, अभी देखिए, ही शी इट, उसका एक अलग ग्रुप बनाया है मैंने, आणि तिथे मी पुढे काय लिहिलंय, स्पीक्स लिहिलंय, म्हणजे क्रियापदाला मी एस लावलाय। ओके, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलतो, वो इंग्लिश बोलता है। शी स्पीक्स इंग्लिश, ती इंग्लिश बोलते, वह इंग्लिश बोलती है या इंग्लिश में बात करती है। इट स्पीक्स इंग्लिश, ते इंग्लिश बोलता, वह इंग्लिश बोलता है। ओके, तो ये चीज में ही शी इट हमेशा अगर आप प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तुम्ही सिंपल प्रेजेंट टेंस मध्ये जर कोणतंही वाक्य बनवत असाल, तर लक्षात ठेवायचं आहे, ही शी आणि इट हे तीन करते, ये तीन सब्जेक्ट्स जब आते हैं, तो उनके साथ जो बेस वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगता है। ओके, तो ई एस किनके साथ यूज करते हैं, उसके लिए भी नीचे एक मैंने एक नोट लिखा है नीचे, तो ये पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी लेट आए। स्वाति मैडम, माइक चालू करा। मोहिते मॅडम, तुमचा माइक चालू करा आणि ह्या शेवटच्या 2 लाईन्स आहेत त्या तुम्हाला वाचायच्या आहेत। हो हाँ, फॉर फ्यू वर्क बेस फ्रॉम एंड हूज हाँ बेस फ्रॉम एंड इन ओ सी एच एच एक्स और डबल एस फॉर द हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हाँ शी इट एंड्स विथ ई एस इंस्टेड ऑफ इंसेंट ऑफ एस। एस, राइट। बस मैडम, माइक बंद करा। हाँ देखिए, मैंने अभी यहाँ पे ही शी इट के आगे जो स्पीक लिखा है उसमें एस लिखा है, लेकिन अभी मैडम ने जो पढ़ा उसमें क्या था, देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। फॉर फ्यू वर्ब्स हुज बेस फॉर्म एंड्स इन ओ, म्हणजे काय,
अभी ये स्पीक है तो उसका एंड किस में हुआ है, के साथ हुआ है, बराबर है। स्पीक या शब्दाचा किंवा या वर्बचा या क्रियापदाचा शेवट कशाने झाला आहे, के या अक्षराने झाला आहे, म्हणून आपण तिथे एस वापरलाय। पण ज्या शब्दांचा शेवट जो वर्ब्स है उनका आखिरी अक्षर अगर ओ है, सी एच है, एस एच है, एक्स है या डबल एस है, तो उनके साथ ही शी इट, ही शी इट के साथ अगर ये ऐसे वाले वर्ड्स या वर्ब्स आते हैं, तो जैसे मैंने स्पीक में एस लगाया तो इनके साथ एस नहीं लगता, इनके साथ ई एस लगता है। ओके, अपन एस च्या ऐवजी इथे काय वापरायचं, ई एस। आणि हे लक्षात ठेवायचं मात्र की फक्त ही शी इट सोबतच हा रूल बदलतो, आय यू वी दे सोबत क्रियापद जसं आहे तसंच लिहायचं असतं। ओके, बघूया आपण, मी काही एक्झाम्पल्स दाखवलेत बघा खाली। जैसे पहला है एग्जाम्पल, मैंने लिखा है आय गो, तो गो इस वर्ब में आखिर का वर्ड क्या लिखा है, आखिर का लेटर ओ है। मग आपल्या इथे रूल मध्ये बघा, ओ असेल तर आपण काय घेणार, ई एस लावणार, कोणासोबत, ही शी इट सोबत, म्हणजे मी इथे तसंच करून पण दाखवलं बघा तुम्हाला। आय असेल तर गो तसंच्या तसं राहणार, पण ही शी इट असेल तर काय होणार, त्याचं गोज होणार। यू मॅच, मॅच में आखिरी वर्ड्स दो क्या है, सी एच, जो हमारे रूल में है, तो वही आप अगर ही शी इट के साथ लिखोगे मैच को तो मैचेस होगा, ई एस लगेगा। मैच आई यू वी दे के साथ वैसे के वैसा रहेगा। ओके, आई यू वी आणि दे सोबत मॅच हा वर्ड तसाच राहणार, पण ही शी इट सोबत वापरला तर काय येणार, त्याच्या सोबत ई एस येणार। जैसे वॉश है, वॉश में क्या है, आखिरी एस एच है, तो वी वॉश, लेकिन ही शी इट के साथ क्या आएगा, एस एच के लिए उसके साथ ई एस लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एक्स का भी, एक्स लेटर भी अगर आखिर में आता है तो उसमें भी ई एस लगता है, ऐसे लिखा है हमने, तो मैंने ये दे के साथ इस्तेमाल किया है। बगा मैं दे सोबत फिक्स वापरला शब्द, दे फिक्स, पण ही शी इट असेल तर काय लिहिणार, फिक्सेस। यू के साथ यूज किया है पास, डबल एस आला है, यू पास, बट ही शी इट असेल तर ही पासेस। ओके, आता आपण एक्झाम्पल बघूया, इथपर्यंत तुम्हाला कळलंय का, जर कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा, मी एकदा एक्सप्लेन करेन परत। किसी को कुछ डाउट है ये जो हमने अभी देखा उसमें, क्योंकि ये बहुत ही इजी सिंपल टास्क है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। कोणाला काही डाउट आहे का, आतापर्यंत आपण जे बघितलं त्याच्यामध्ये? ओके, कोणाचंच काही आलेलं नाहीये, म्हणजे मी हे पकडून चालते की तुम्हाला हे समजलंय आणि वाक्य बनवल्यावर तुम्हाला हे आणखीन इजिली समजेल। ओके, हम लोग जब उसके सेंटेंसेस देखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू पीपल, और आपको भी मुझे सेंटेंसेस बता के बना के दिखाना है। क्या ये स्लाइड आपको अभी दिख रही है? मैंने इंग्लिश सेंटेंस लिखा है, उसका मराठी ट्रांसलेशन लिखा है और हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है, दिसतंय का सगळ्यांना? जरा चैट बॉक्स मध्ये लिहा। यस, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए मी इथे काय केलं है, जे रेड कलरचे आहेत ते काय आहेत, वर्ब्स आहेत। फिर से देखिए, अपना फॉर्म्युला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट सेंटेंस। तो अभी देखिए, पहले सभी सेंटेंसेस में देखिए, आई शी दे वी, फिर आई ही द सन, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद जो रेड मार्क किए हैं मैंने, वो क्या है, वो आपका वर्ब है और वो वर्ब का बेस फॉर्म है, और उसके आगे जो भी सेंटेंस बना हुआ है वो है। ओके, तो मैं आपको एक एक सेंटेंस बताती हूँ, आपको भी बना के मुझे ऐसे ही सेंटेंस बताने हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, आई रीड स्टोरी बुक्स, मराठी मध्ये आपण काय बोलणार, मी गोष्टींची पुस्तके वाचतो,
हिंदी में बोलते हैं मैं कहानी की किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। वैसे ही सेकंड सेंटेंस कौन पढ़ेगा? सेकंड सेंटेंस कौन वाचणार आहे? जरा नाव लिया, चला फटाफट। एक रूल फॉलो करायचा, कोणी माइक चालू करायचा नाही। कुणाचा तरी माइक चालू आहे, माइक बंद करा। आपण नावं टाकूयात, ओके। बघा ही लाईन मध्ये नावं आलीत, मी असंच लाईन मध्ये जाते, ओके। पहिला सुषमाजी, तुमचा माइक चालू करा। सेकंड सेंटेंस, शी हेल्प द नीडी, ती हाँ गरजूंना मदद करते, वह हाँ जरूरतमंद की हिंदी, मदद करती है। वेरी गुड। बघा माइक बंद करा। शी हेल्प्स लिखा है अपन, ओके। क्या लिखा है मैंने? हेल्प्स, एस लिखा है हेल्प के साथ। अगर आई होता, यू, वी या दे, तो क्या लिखते? सिर्फ हेल्प लिखते, तिथे अपन एस लावणार नाही। पण आता ही शी इट म्हणजे दुसरा ग्रुप आला आपला, त्या ही शी इट सोबत नेहमी एस किंवा ई एस लावायचं आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे, ओके। नंतर पाटील सर माइक चालू करा। थर्ड सेंटेन्स वाचायचं सर। ओके, दे रन वेरी फास्ट। मराठी हिंदी पण? ते खूप वेगाने धावतात, वे बहुत तेज भागते हैं। ओके सर, माइक बंद करा। आता इथे पण बघा, देखिए दे के साथ मैंने क्या किया है? रन, रन्स लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। तो दे इज व्हाट? प्लूरल फॉर्म। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि दे म्हणजे काय, एकापेक्षा जास्त लोक असतील तर आपण त्याच्यासाठी काय प्रोनाउन वापरतो? दे। एक से अगर ज्यादा लोग वहां पे है किसी जगह पे, तो हम लोग उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। तो एक से ज्यादा लोग भी हो तो भी आपको जो आपका वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही यूज करना है। तो दे रन वेरी फास्ट, ओके। देन फोर्थ, मोहिते मैडम माइक चालू करा। चौथा सेंटेंस वाचा। वी गो टू पार्क एवरी डे, आम्ही हाँ दररोज बागेत जातो, हम हर रोज बाग में जाते हैं। वेरी गुड, माइक बंद करा। बघा जसं तुम्ही तुमच्याच याच्यामध्ये बहुतेक होतं की आम्ही रात्री फिरायला जातो जेवणानंतर, मग आता इथे ही नेहमीची गोष्ट आहे, त्यामुळे हा हे जे सेंटेन्स आहे ते नेहमी कशामध्ये बनणार आहे? आपलं सिंपल प्रेझेंट टेन्स में। सब लोग अपना आप लोगों ने जो भी डेली रूटीन लिखा था उसको थोड़ा दिमाग में रिवाइज करते रहिए जब हम लोग एक सीख रहे हैं। तो आपने क्या लिखा था, अच्छा फिर कहाँ पे कैसे मिस्टेक हुआ था, तो ये आपको रिवील हो जाएगा इजीली। वी गो टू पार्क एवरी डे, ओके। गो लिखा है मैंने, गोज लिखा है क्या? नहीं, बिकॉज आई, यू, वी और दे के साथ हमेशा सिंपल फॉर्म रहेगा। देन नेक्स्ट है, देखिए किसका नाम आया है। ठाकुर सर माइक चालू करा। फिफ्थ सेंटेंस, आय कुक फूड फॉर माय फॅमिली, मी माझ्या कुटुंबासाठी जेवण शिजवते किंवा बनवते, हाँ मैं अपने परिवार के लिए खाना पकाता हूँ। वेरी गुड, माइक बंद करा सर। देखिए ये बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो मैंने आपके ही जो डेली रूटीन लिखा था उसमें से ही लिए हैं, ठीक है। सभी लेडीज ने ये सेंटेंस लिखा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी आपने टेंस में थोड़ा गड़बड़ किया है। तो दैट इज आई कुक फूड फॉर माय फैमिली, मी माझ्या, तुम्ही नेहमी बनवता, त्यामुळे तिथे काय येणार आहे? तसं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्येच हे वाक्य येणार आहे। नेक्स्ट वाक्य आहे, बघूया कोण आहे। हाँ मेनका मॅडम आपका माइक शुरू कीजिए, 6 नंबर पढ़िए। He goes to office जा जाओ तो हाँ शुभ
जाता वेरी गुड, माइक बंद कीजिए मैडम। देखिए अभी ही के साथ ऊपर भी देखिए, गो का सेंटेंस हम लोग ने दो बार लिया है, एक फोर नंबर में और एक सिक्स नंबर है। वी के साथ मैंने गो जैसा था वैसा ही लिखा है, लेकिन ही के साथ क्या किया है, ई एस लिखा है, गोज लिखा है, ही गोज। ओके ध्यान से देखिए, और ई एस क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि उसका गो का जो लास्ट लेटर था वो ओ था, और हमारा रूल क्या है कि जिस वर्ब में लास्ट का लेटर जो है ओ रहेगा, एस एच सी एच एक्स किंवा डबल एस, तर त्याच्या सोबत काय लागतं, ई एस लागतो प्रत्यय। ओके त्यामुळे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत। ओके देन सेवन नंबर देखिए, द सन रायजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्वेला उगवतो। अभी ये क्या है, ये हमेशा होने वाली चीज है, ही नेहमी घडणारी गोष्ट आहे कि सूर्य पूर्वेलाच उगवतो किंवा पश्चिमेला मावळतो। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये जो चीजें हैं ये हमेशा किस में लिखी जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ओके अभी आप लोग मुझे कुछ ऐसे सेंटेंसेस बना के बताइए जरा, एक एक करके। अब कोई भी, सिर्फ मैंने जो लिखे है वो सेंटेंस नहीं बोलने हैं, नए सेंटेंस बनाने हैं। चलिए उसी सीक्वेंस में चलते हैं जो पहले की थी। चला सुषमा जी माइक चालू करा तुमसे। तुम्ही बनवायचे सेंटेन्स कोणताही आणि मराठीत पण सांगायचंय, पहिले मराठीत सांगा मग इंग्लिश मध्ये सांगा, म्हणजे आपल्याला कळेल की ट्रान्सलेशन बरोबर आहे की नाही। मी रुंजीचा अभ्यास घेते. व्हेरी गुड, आता इंग्लिश मध्ये सांगा। आता हाँ व्हेरी गुड, आपला रूल बघायचंय, सब्जेक्ट नंतर आपण काय वापरणार आहोत, वर्ब वापरणार आहोत, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आता तुमच्या वाक्यामध्ये मी रुंजीचा अभ्यास घेते, तुमच्या वाक्यामध्ये आता मी हे सब्जेक्ट पहिले तुम्ही बोललात आय, ओके हा, आता तो सब्जेक्ट झाला, आता वर्ब काय आपल्या वाक्यामध्ये, होमवर्क नाही घेते, वर्ब म्हणजे काय, क्रियापद। ओके मग घेते ते जे ऍक्शन वर्ड्स आहेत ते तुमचे वर्ब्स आहेत, हे लक्षात ठेवायचं। घेणे, देणे, उठणे, बसणे, करणे, हे सगळे ऍक्शन वर्ड्स आहेत, बरोबर आहे। मग घेण्यासाठी काय वर्ड आहे सांगा, आय, सॉरी बोला, आपल्याला चुकूनच शिकायचंय, अजिबात अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही, बोला शिव येणार ना मॅडम. काय येणार, टेक येणार, टेक टेक येणार, गिव म्हणजे देणे आणि टेक म्हणजे घेणे। अच्छा आय आय टेक, आय टेक हाँ, आणि रुंजीज रुंजीचा वर्क. अभ्यास, हाँ रुंजीज होमवर्क, व्हेरी गुड, किंवा आय टेक रुंजीज स्टडीज असं पण तुम्ही बोलू शकता, व्हेरी गुड। बघा यांनी खूप छान प्रयत्न केला, माइक बंद करा तुमचा। आता नेक्स्ट होतं पाटील सर होते, चला सर माइक चालू करा। कोणतंही वाक्य बनवायचंय तुम्ही, फक्त ते आपल्या सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये असलं पाहिजे। वी प्ले एवरी डे. व्हेरी गुड, मराठी, आम्ही रोज खेळतो. व्हेरी गुड। हे सगळ्या, सर माइक बंद करा प्लीज, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचंय की नेहमी घडणाऱ्या गोष्टी किंवा आत्ताच्या क्षणाला घडणाऱ्या गोष्टी या तुम्ही सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये बोलू शकता, व्हेरी गुड सर। त्याच्यानंतर मोहिते मॅडम माइक चालू करा। मी जोरात बोलते. आय टॉक हाँ लाउडली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, माइक बंद करा मॅडम। हाँ त्याच्यानंतर ठाकूर सर माइक चालू करा। लर्न कुकिंग एवरी मराठीत सांगा सर। मी स्वयंपाक शिकत आहे. मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ.
हाँ आता याच्यामध्ये थोडा, हाँ ठीक आहे सर, मी तुम्हाला याच्यात थोडासा करेक्शन सांगते. माइक बंद करा. आय लर्न कुकिंग, ओके. सरने बोला आय लर्न कुकिंग म्हणजे काय, मी जेवण बनवायला किंवा स्वयंपाक शिकतो असं म्हटलं. तर ते आपण आता ही तुम्ही क्रिया चालू केलेली आहे आणि तुम्ही शिकताय, ओके. आय लर्न कुकिंग. देन नेक्स्ट कोण होता आपल्याकडे? मेनोका मॅडम, आपका माइक शुरू कीजिए. आपकी आवाज कट रही है मैडम. सिंग गाना ओके, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे ऐसे बोला आपने. मैडम, आई सिंग ए सॉन्ग एवरी डे. आई सिंग अ सॉन्ग एवरी डे. कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. ओके, आप यही चैट बॉक्स में लिखिए. चैट बॉक्स में लिखिए आपका सेंटेंस मैडम. हाँ, तो पर्यंत वर्षा जी तुमचा माइक चालू करा. तो बोल. जोरात धावतो, तो वेरी गुड. जोरात धावतो, ही हाँ इंग्लिश रन्स वेरी फास्ट. वेरी गुड. ही वगैरह असेल तर आपण ही शीट सोबत काय वापरणार आहोत, एस किंवा ई एस एस वापरणार आहोत क्रियापदासोबत. वेरी गुड मॅडम, वेरी गुड. ओके, तो वी विल सी मेनका मॅडम उनका सेंटेंस लिख रही है. नेक्स्ट वी विल गो टू, आता ही अपन ही जी वाक्य बघितली, हम लोग ने ये जो सेंटेंसेस देखे हैं ये क्या है? ही होकार अर्थी वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो, असर्टिव. ओके, अभी इसको निगेटिव नकारार्थी मतलब नॉट यूज करके अगर आपको कोई भी चीज बोलनी है, हर बार हाँ नहीं बोलते ना, हर चीज के लिए ना भी बोलते हैं, तो नकारार्थी वाक्य जेव्हा आपल्याला वापरायचे असेल तेव्हा आपण काय करणार आहोत? तर इथे बघा, इथे मी फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. सब्जेक्ट सेम फॉर्म्युला आहे, मगाशी होता तसाच वही फॉर्म्युला है, सिर्फ अभी ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए बीच में क्या आया देखिए, सब्जेक्ट के साथ डू और डज प्लस नॉट प्लस वही आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कैसे किया है? आई यू वी दे वही ग्रुप है सब्जेक्ट्स का. आई यू वी दे का एक ग्रुप है और ही शी इट का एक ग्रुप है, दोन ग्रुप बनवलेले आहेत. आई यू वी आणि दे सोबत मूळ रूपातच तसंच राहणार आहे वर्ब. ओके, फक्त त्या वर्बच्या आधी आपण आता काय वापरणार आहोत? डू नॉट म्हणजे आय डू नॉट ईट बनाना, यू डू नॉट ईट बनाना. आता हे जे डू नॉट आहे ते आपण एवढं डू नॉट बोलायच्या ऐवजी शॉर्ट मध्ये मी ब्रॅकेट मध्ये खाली लिहिलंय बघा, काय बोलतो आपण? डोंट. तुम्ही बोलता की नाही आय डोंट वॉन्ट टी, मला चहा नकोय. आय डोंट वॉन्ट दिस व्हेजिटेबल, मला ही भाजी नकोय. असं जेव्हा आपण बोलतो तो डोंट म्हणजे काय असतो? डू नॉट असतो. ओके, आणि मग तसंच यू डोंट ईट बनाना, वी डोंट ईट बनाना, दे डोंट ईट बनाना म्हणजे ते बनाना केळं खात नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. अभी ही शी ईट के साथ क्या किया है देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. हम लोग ने जब ये पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने? एस लिखा था, एस या ई एस यूज किया था वर्ब के साथ. लेकिन यहाँ पे आपको जो एस या ई एस आप जो यूज करते हैं वो डज के फॉर्म में आ जाता है. ओके, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ई एस यूज नहीं करना है. इथे तुमच्या क्रियापदासोबत तुम्हाला एस किंवा ई एस वापरायचा नाही, त्याच्या आधी आपण डझंट वापरणार आहोत.
डज नॉट चा शॉर्ट फॉर्म का आहे डजंट. ही डजंट ईट बनाना. इथे ईट्स बोलायचं नाही, त्याच्या ऐवजीच आपण तो डज इथे वापरलेला आहे. सो ही डजंट ईट बनाना, शी डजंट ईट बनाना, इट डजंट ईट बनाना. ओके, अशी याची वाक्य बनणार आहे. स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके, मी परत एकदा जाते स्क्रीन मध्ये. थँक्यू सो मच सर, मी परत दाखवते, नो प्रॉब्लेम. आता दिसतंय का सांगा मला, कधी कधी अचानक नेटवर्क मुळे असा प्रॉब्लेम होतो. ओके ओके, थँक्यू सो मच. आणि तुम्ही हे करू शकता, म्हणजे अगदी अचानक असं काही दिसलं नाही आणि मी जर याच्यामध्ये प्रेझेंटेशन मध्ये असताना जर मी मेसेज बघितला नाही तर तुम्ही माईक चालू करून बोलू शकता, देर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, नो इश्यू. आता बघा, मी इथे खाली परत एकदा मी पाहिजे तर तुम्हाला एक्सप्लेन करते. आय यू वी दे यांच्यासोबत आपण काय वापरणार आहोत, डोंट. कशासाठी, सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवण्यासाठी. अगर हम लोग सिंपल प्रेझेंट टेन्स में निगेटिव्ह सेंटेन्स बना रहे है तो आय यू वी और दे के साथ क्या यूज करेंगे, डोंट. और आपका जो भी वर्ब है वो सिंपल फॉर्म में वैसे ही रहेगा. ही शी इट के मामले में क्या करेंगे, डज नॉट मतलब डजंट यूज करेंगे और वर्ब जैसा है वैसे ही रहेगा, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा. अभी नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिखे लिखे है, देखिए जैसे ऊपर वाला एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई डोंट ईट बनाना. मी केळं खात नहीं, मैं बनाना या केला नहीं खाती हूँ. शी डजंट वॉन्ट न्यू ड्रेस, तिला नवीन ड्रेस नको आहे. ओके, उसको नई ड्रेस नहीं चाहिए. आय डोंट वियर, दे डोंट वियर शूज, सॉरी दे डोंट वियर शूज म्हणजे काय, ते बूट घालत नाहीत, ते लोक बूट किंवा शूज घालत नाहीत, वो शूज नाही पहनते है. मनीष डजंट अटेंड मॅथ्स क्लास. अभी मैंने यहाँ पे नाम यूज किया है, देखिए लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम हो सकता है, कोई भी नाम है या कोई भी चीज का नाम. जैसे हम लोग ने ऊपर द सन यूज किया था तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, डजंट, ये याद रखना है. मनीष डजंट अटेंड मैथ्स क्लासेस. ये मैंने जो डोंट और डजंट लिखा है उसके आगे वाला वर्ब जो है ईट वॉन्ट वियर अटेंड, कहीं पे भी मैंने यस या यस नहीं लगाया है, ये ध्यान में रखना है. ओके, मनीष मैथ्स का क्लास अटेंड करत नहीं क्यों, मनीष मैथ्स का क्लास ला जात नहीं, असा याचा अर्थ होतो. ओके, तो अभी आप बताइए थोड़े सेंटेंसेस, चलिए एक एक करके. चला ठाकुर सर तुम्ही बोला पहिले. आता आय डोंट लाईक कॉफी. आय डोंट लाईक, हॅलो. हा बोला सर, परत तुमचा आवाज कट होतो. आय डोंट लाईक कॉफी. तुमच्या याच्यात ना बॅकग्राऊंड नॉईज खूप येतोय सर. तुम्ही लॅपटॉपवर वगैरे आहात का? Yes. हा, मग त्याच्यात ना बॅकग्राऊंड नॉईज खूप, त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन असतो तो नॉईज किल करण्याचा, तर ते तुम्ही नंतर क्लास संपल्यानंतर तुमच्या मुलाला विचारून घ्या. सध्या तुम्ही परत एकदा बोला सेंटेन्स. आय डोंट ईट, आय डोंट लाईक कॉफी. हा, मराठीत सांगा सर आता वाक्य. मला कॉफी आवडत नाही, मुझे कॉफी पसंद नहीं है. व्हेरी गुड सर. बघा माईक बंद करा सर. बघा आता सरांनी आपल्याला सांगितलं आय डोंट लाईक कॉफी म्हणजे काय, त्यांना कॉफी आवडत नाही. ओके, मग त्यांनी काय वापरलं हे बोलताना, डोंट या शब्दाचा उपयोग केला. व्हेरी गुड. पाटील सर माईक चालू करा. हॅलो. यस मॅम, यस. हा सर दे बोला. डोंट प्ले एव्हरी डे.
सर आता वाक्य बदला तुम्ही तुम्ही मगाशी पण तसंच वाक्य ओके सांगितलं. हाँ दे डोंट गो एवरी डे इन टेम्पल. ओके ठीक आहे व्हेरी गुड. ते मराठीत रोज पण सांगा मंदिरात सर. जात नाही. ते रोज वेरी गुड मंदिरात सर जात थैंक नाही. यू. यस सर थैंक यू सो मच. देखिए अभी सर ने क्या सेंटेंस बोला दे डोंट गो एवरी डे टू द टेम्पल. ओके तो दे के साथ क्या यूज किया अभी सर ने डोंट ये ध्यान में रखना है. ओके देन स्वाति मैडम तुमचा माइक चालू करा. आय डोंट लाईक मँगो. ओके मॅडम आता जरा तुम्ही वाक्य बदला कारण एक तर फ्रूट पण झालं आपलं आणि मगाशी सरांनी लाईक हा शब्द वापरला. हे ये सबने ध्यान में रखना है कि अलग अलग वर्ड्स भी तो सीखने हैं हमें. ओके तो अलग अलग यूज कर ये वर्ड्स. आपको चाहिए तो मैं वर्ब्स दिखा देती हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहे तो इसमें से भी आप यूज कर सकते हो. बिकॉज यही ये चीज बहुत जरूरी है. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपकी वोकैबलरी जो है तुमची वोकैबलरी जी है शब्द साठा जो है तो खूप स्ट्रॉंग पाहिजे जर तुम्हाला इंग्लिश बोलायला शिकायचं असेल तर. आणि तुम्ही सांगितलं होतं की तुम्ही दररोज शब्द पाठ करताय. ओके तर ते शब्द वापरायचे पण आहेत आपल्याला. असं काही नाहीये की मी फक्त समोर तुम्हाला एक्झाम्पल दिलंय तुम्ही कुठलेही तुमच्या आवडीचे शब्द वापरा आणि वाक्य सांगा मला त्याच्यात काही कन्फ्युज व्हायची गरज नाहीये. बोला. शी डझंट शी डझंट से इंग्लिश. शी डझंट स्पीक बोलू शकता किंवा टॉक बोलू शकता. ओके ती इंग्लिश बोलत नाही. ओके व्हेरी गुड मॅडम. ओके माईक बंद करा. नलावडे मॅडम तुमचा माईक चालू करा. शी डझंट ड्रॉ पिक्चर्स. ओके मराठीत सांगा. तिने चित्रे काढले नाही. नाही हे अख्ख वाक्य बदललं तुमचं. शी डझंट ड्रॉ पिक्चर्स म्हणजे ती चित्र काढत नाही आणि ती चित्र तिने चित्र काढली नाही हे काय झालं हे सिम्पल पास्ट टेन्स झालं. ओके आपण प्रेझेंट टेन्स मध्ये बोलतोय त्यामुळे ती चित्र काढत नाही हे करेक्ट वाक्य आहे. आणि हे लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी की मी जेव्हा तुम्हाला मराठीत बोलायला सांगते की या फिर मैं आपको जब हिंदी में वही सेंटेंस बोलने के लिए कहती हूँ तो उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य होता है कि आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कैसे करते हो. ठीक है और यही पे इसीलिए हमेशा देखिए हम दिमाग में जब सोचते हो तो अपनी मदर टंग में सोचते हैं. ठीक है जैसे आप आता आपण मराठी बोलतोय तर आपण मराठीत विचार करतो आणि मग त्याला ट्रान्सलेट करतो इंग्लिश मध्ये. तुम्ही आता मला वाक्य तशीच बनवून सांगितली सगळ्यांनी 100%. ओके हिंदी में भी वैसे ही करते हम लोग. हिंदी में पहले सोचते हैं क्या बोलना है और फिर उसको इंग्लिश में बोल देते हैं. तो जब हम माइक बंद करा तुमसे. ओके तो हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि जो टेंस हम लोग बोलने जा रहे हैं इसलिए आप पहले ऐसे भी कर सकते हो आप मराठी या हिंदी में पहले वो सेंटेंस बोल दीजिए फिर उसको इंग्लिश में बोलिए. ओके तो अभी नेक्स्ट मेनका मैडम माइक शुरू कीजिए. आपको डोंट या डजंट कुछ यूज करके बोलना है. आई डोंट लाइक टू प्ले. ओके आई डोंट मुझे खेलना पसंद नहीं है. हाँ मैंने सुना आपका अभी बहुत अच्छे से सुनाई दिया. हाँ तो आपका माइक बंद कीजिए तो मैं आपको अभी बोल देती हूँ क्या करना है. देखिए आई डोंट लाइक टू प्ले मतलब क्या मुझे खेलना पसंद नहीं है. अगर आप हिंदी में बोल रही है कि मैं खेलना नहीं चाहती हूँ तो चाहने के लिए भी एक वर्ड है अपने पास वॉन्ट मतलब क्या होगा वो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले ऐसे हो जाएगा. आई डोंट लाइक टू प्ले मतलब मुझे पसंद नहीं है और मुझे मैं खेलना नहीं चाहती हूँ इसके लिए क्या यूज करेंगे आई डोंट वॉन्ट टू प्ले.
अलग अलग वर्ड्स है अपने पास जो आपको यूज करने हैं. ओके अभी कोई बाकी है क्या, देखते हैं हम लोग. प्रतीक्षा वाजेकर, नावच नाही टाकलं तुम्ही एवढा वेळ आहात क्लास मध्ये. सुषमा जी तुम्ही बोला आणि तुमच्या नंतर प्रतीक्षा बोलणार आहे. ओके चला बोला, माइक चालू करा. दे डोंट सेल वेजिटेबल. व्हेरी गुड. मराठीत कसं बोलणार? भाजी ते भाजी विकत नाहीत. व्हेरी गुड. ओके दे डोंट सेल वेजिटेबल्स. व्हेरी गुड. प्रतीक्षा माइक चालू करा. बोला. डोंट किंवा डझंट वाला वाक्य बोलायचं आहे आणि त्याचं ट्रान्सलेशन पण सांगायचं. किंवा आधी मराठीत सांग आणि मग इंग्लिश मध्ये बोल. आवाज येतोय मॅडम? हो येतोय, बोल बोल. ते झाड तोडू नका. नाही, हे वाक्य बदललं तुझं. हे काय झालं? हे आपण आज्ञार्थी वाक्य झालं. ओके म्हणजे त्याच्यामध्ये तुला तुला काय करायचं आहे, जसं मी आता इथे लिहिलंय की नाही, या फॉर्मॅटमध्ये हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे आणि असं. म्हणजे पहिला सब्जेक्ट आला पाहिजे तुझ्या याच्यामध्ये. पहिला डोंट येणार आहे आपल्याला. पहिला डोंट नाही घ्यायचा, आपल्याला पहिले सब्जेक्ट घ्यायचं आहे. ओके बघ तयार कर. एनीथिंग. हे बघ इथे खूप सोपी सोपी वाक्य दिलेली आहेत. ठीक आहे, तू नंतर लिहून पाठव मला. ओके माइक बंद करा, कारण आपल्याला पुढचं पण एक सेशन घ्यायचं आहे अजून. ओके तो देखिए, मैं जब भी क्वेश्चन्स पूछती हूँ तो सबको ये ध्यान में रखना है कि मेरा नंबर भी आने वाला है. प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवायचं आहे की आता माझा नंबर पण येणार आहे. त्यामुळे शिकवताना तर लक्ष द्यायचं आहे पण वाक्य पण तयार करत राहायचं आहे डोक्यामध्ये. ओके तो अभी आगे चलते है. हम लोग ने क्या क्या देखा, देखिए. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है अभी तक. पहला क्या देखा हम लोगों ने, कि पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं. फिर उसको देखा निगेटिव सेंटेंस, मतलब डोंट या डजंट यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. अभी उसी टेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, तो थर्ड पार्ट है अपना, हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये क्वेश्चन कसा विचारणार, प्रश्न कसा विचारणार, तर त्याची सुरुवात कशाने होते बघा. क्वेश्चन की सुरुवात जो है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्म्युला. पहले डू और डज आएगा. डू किसके साथ आता है, हमेशा वही ग्रुप चल रहा है, ध्यान में रखना है. आई यू वी और दे के साथ क्या आता है, डू. लेकिन ये ध्यान में रखिए उनका पोजिशन बदल गया. अभी क्वेश्चन पूछने वाले है तो पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो ही शी इट के लिए भी सेम रहने वाला है. मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट यूज करो, बेस फॉर्म हमेशा क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा. सिर्फ डू और डज जो है वो चेंज होगा. जैसे आई यू वी दे के साथ क्या आएगा, डू. इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम लोग. ओके और ही शी इट के साथ क्या आएगा, डज आएगा. देन आपको उसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है या फिर ऑब्जेक्ट था वो लिखना है. और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लिखते वक्त आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है. ओके तो जैसे मैं अभी ये सेंटेंस बोल के दिखाती हूँ, देखिए. डू आई लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ क्या, मैं फ्रेंच सीखते है का. Do you learn French? तू French सीखते हो इसका, ठीक है. क्या आप French सीख रहे हो, does के साथ कैसे आएगा, does he learn French? तो French सीखते है का. Does she learn French? क्या वो French सीख रही है क्या,
ऐसे बनेंगे आपके क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस कुछ मैंने नीचे लिखे हैं, देखिए एक बार मैं चैट बॉक्स में देख के आती हूँ, आपका अगर कुछ डाउट वगैरह है। नहीं है, देखिए इसके साथ रखती हूँ मैं। देखिए पहले जैसे मैंने फॉर्मूला में लिखा है डू या डज आएगा, तो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है डू, डू आई नो यू, मतलब डू मैंने यूज किया। फिर सब्जेक्ट आई यूज किया, बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया नो, और जो सेंटेंस या जो भी ऑब्जेक्ट था उसमें मैंने यू लिखा है। डू आई नो यू मतलब क्या, क्या मैं आपको पहचानती हूँ, मी तुम्हाला ओळखतो का, असं बोलता की नाही आपण कधी कधी एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटल्यावर, तो वो कैसे पूछेंगे डू आय नो यू। अभी सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है देखिए मैंने, डज ही गो टू स्कूल, मैंने गोज लिखा है क्या, नहीं, उसके बदले में ही डज मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। तो डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल में जाता है क्या, तो शाळेत जातो का। डू दे वियर युनिफॉर्म, वो युनिफॉर्म पहनते हैं क्या, म्हणजे काय ती मुलं किंवा कोणीही ग्रुप दिलेला आहे ते लोक युनिफॉर्म म्हणजे गणवेश घालतात का। डज इट वर्क, कोई भी चीज अगर आप लाते हो, कभी कभी डाउट होते हैं हमको कि ये काम करता है क्या, तो वो ये काम करता है क्या ऐसे अगर पूछना है, हे काय काम करतं का असं जर विचारायचं असेल तर काय विचारतो आपण, डज इट वर्क, ओके हे काम करतं का, तर आता तुम्ही काम करायचंय नेहमीप्रमाणे, एकेकाने मला असा एक एक क्वेश्चन विचारायचा आहे, ओके। आणि आपण आताच काय करणार, पहिले मराठी किंवा हिंदीत बोलायचं, मग इंग्लिश मध्ये मला ते क्वेश्चन सांगायचंय, ओके। आता सुरुवात करूया आपण। मेनोका मैडम आप करिए पहला स्टार्ट, आपको क्वेश्चन पूछना है डू या डज के साथ कोई भी। ओके वेरी गुड, हिंदी में कैसे बोलेंगे? यस राइट है मैडम, वो क्या मुझे हिंदी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैडम, माइक बंद कीजिए। देखिए मेनोका मैडम ने अभी बताया डज ही नो मी, मतलब वो मुझे जानता है क्या, वो मुझे पहचानता है क्या, वेरी गुड। आता अपन जाऊया, पाटिल सर माइक चालू करा। ओके मैम, डज शी ब्रेक ग्लास, डज शी ब्रेक, डज शी ब्रेक ग्लास, हाँ मराठी, तिने ग्लास तोडला का, ओके तिने ग्लास तोडला का किंवा आपण मराठी मध्ये फोडला का, एक्झॅक्टली वेरी गुड सर, फोडला का, हाँ डज शी ब्रेक द ग्लास, वेरी गुड। देन ठाकूर सर माइक चालू करा। Does he wake up early in the morning? Very good. मराठीत सांगा मला। तो सकाळी लवकर उठतो? तो सकाळी लवकर उठतो का? Very good. ठीक आहे सर, माइक बंद करा। स्वाती मॅडम माइक चालू करा। तू कम्प्युटर वापरतोस का? डू यू यूज कम्प्युटर? व्हेरी गुड व्हेरी गुड मॅडम, खूप व्यवस्थित वाक्य बनवलं। वर्षा मॅडम माइक चालू करा। डज शी स्टडी डेली? ती रोज अभ्यास करते का? व्हेरी गुड, बघा तुम्ही, तुम्हाला सगळ्यांना हे जमलंय छान पैकी, व्हेरी गुड। सुषमाजी तुमचा माइक चालू करा। डू आय कुक लंच? मी जेवण दुपारचं जेवण बनवू का? नाही 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 नाही, बनवू का विचारायचंय म्हणजे आपण काय करतोय,
आपण कोणाला तरी विचारतो मी बनवू का, ओके आपण परमिशन मागतोय. परमिशन मागताना तुम्ही मे आय कुक द लंच बोलू शकता किंवा कॅन आय कुक द लंच असं विचारू शकता. ओके, डू आणि डज आपण साध्या वाक्यांसाठी, साध्या प्रश्नांसाठी वापरतो. ओके, हा मग तुम्ही असं बोलू शकता की डू आय कुक लंच, म्हणजे मी लंच बनवते का असं. ओके ठीक आहे, प्रतीक्षा माईक चालू करा. प्रतीक्षा ठीक आहे, प्रतीक्षेचा माईक नाही चालू होत आहे. आपण आता मी तुम्हाला मागच्या वेळी काही क्रियापद म्हणजे ऍक्शन वर्ड्स, म्हणजे कुछ ऍक्शन वर्ड्स या वर्ब्स बोलते हैं इसको, जो हम लोग ने अभी आज नया वर्ड देखा है उसके लिए, तो इनको यूज करके, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, इनको यूज करके आपको इन तीनों टाइप्स में सेंटेंसेस बनाने होंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंसेस और फिर क्वेश्चंस. ओके, तो ये मैं आपको ये चार्ट्स भी ऐसे ही भेज दूंगी ग्रुप पे, और ये एक्शन वर्ड का चार्ट भी भेज दूंगी. आपको इसको यूज करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं. या पहले जो दो चार्ट दिए हैं एक्शन वर्ड के, उसमें से भी आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. एंड देन आपको तीनों टाइप्स लिखना है. आपको कैसे लिखना होगा, आपको एक वर्ड लिखना है, उसको यूज करके पहले एक ऐसा वाला सेंटेंस लिखना है जो सिंपल सेंटेंस होगा आपका, फिर उसको निगेटिव करके लिखना है, और फिर क्वेश्चन पूछना है. ओके, तो ये आज करना है आपको घर पे. दूसरी चीज क्या करनी है, आपने जो भी डेली रूटीन लिख के दिया था, तुम्ही जे काही दिनक्रम लिहून दिला होता, त्याच्या बऱ्याच जणांचे मी करेक्शन्स केले होते, तो वो करेक्शन्स और आपने आज जो सीखा है उसके साथ आप एक नया डेली रूटीन सब लोग लिखेंगे. डेली रूटीन म्हणजे काय, की फक्त स्वतःबद्दल लिहायचं की तुम्ही काय काय करता दिवसभरात, आप दिनभर में क्या क्या करते हो उसको आपको लिखना है. उसमें आपका फैमिली वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग माय फैमिली करके मैं आपको इस वीक में वो टॉपिक देने वाली हूँ जिसमें आपको माय फैमिली के बारे में लिखना है. ओके, तो उसको आप भी डेली रूटीन में इन्वॉल्व मत कीजिए. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच एवरीवन. सिर्फ जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अगर वो घर पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्रुप पे भी डाल दोगे तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा ये रहता है कि चलो बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ उनके साथ. ओके, त्याच्यातना जरा बाकीच्या लोकांना प्रेरणा मिळते की चला ह्यांचं ठीक होत आहे, हे लोक करतात मग मी पण करू शकतो. सो एव्हरीबडी हॅज टू पुट देअर होमवर्क ऑन ग्रुप, ताकि मैं उसका करेक्शन करके आपको भेजती हूँ तो वो आपको फॉलो भी करना है. ओके, सो नाउ वी विल टेक लीव. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, कैन लीव द क्लास. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम, बाय बाय, गुड नाइट. प्रतीक्षा क्लास लेफ्ट करा, मला रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचंय.
प्रतीक्षा क्लास लेफ्ट करायचा आहे पटकन.